प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भवानीपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी गणेश जी के परम भक्त थे और गणेश जी की पूजा करके ही घर से बाहर जाते। रमेश नेशनल हाईवे पर रोटी और दाल मखनी का एक छोटा सा ढाबा चलाया करता था। वो दाल मखनी और रोटियां बनाता था, मगर रमेश की बनाई दाल मखनी की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। सुबह से कोई एक दो ग्राहक ही उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आते थे। रमेश के ठीक सामने ही बलवंत का ढाबा था। बलवंत जितना चालाक था उससे भी ज्यादा वो घमंडी था। वो अपने ढाबे में अलग अलग स्कीम देकर ग्राहक को लुभाता था। कभी एक पर एक प्लेट फ्री देता, कभी ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देता। अपने ढाबे के प्रचार के लिए वो पोस्टर लगवाता और पैम्फलेट बंटवाता। उसके इसी हुनर के चलते बलवंत का ढाबा हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। रमेश भोला भाला था, उसे नए तरीके से ढाबा चलाना नहीं आता था। रमेश को कभी समझ नहीं आता कि दोनों एक जैसा खाना बेचते हैं, लेकिन बलवंत के ढाबे में हर समय भीड़ क्यों होती है। रमेश के ढाबे में किसी भी ग्राहक को न देखकर बलवंत जोर जोर से चिल्लाकर रमेश की खिल्ली उड़ाता था। रमेश, अगर तुम्हारे ढाबे में कोई खाना खाने नहीं आता तो तुम मेरे ढाबे में आकर खाना खाओ, या खाने के साथ साथ मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों के प्लेट उठा के साफ कर देना। देखो, जितना तुम पूरे महीने का कमाते हो उससे डबल तनख्वाह दूंगा। मंजूर हो तो अभी अपने ढाबे को ताला लगाकर चले आओ। बलवंत की बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपना मुंह नीचे करके वहाँ से चला जाता है। पर उसे अपने गणपति बापा पर बहुत भरोसा था। वो जानता था एक ना एक दिन उसका समय जरूर बदलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो गणपति की पूजा करके उन्हें प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलता था। एक शाम रमेश घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी मीनू बुखार से तड़प रही है। उसकी ये हालत देखकर अपनी पत्नी राधा पर गुस्सा करते हुए कहता है, बच्ची को इतना बुखार है और तुमने उसे दवा तक नहीं दिलाई। घर में पैसा होगा तब ना दवाई खरीद के लाऊंगी। राधा की बातें सुनकर रमेश उदास हो जाता है और वो निराश होते हुए कहता है, मैं तो बड़े मेहनत से खाना बनाता हूँ, पर न जाने क्यों मेरे यहाँ लोग खाना खाने नहीं आते और अब उस बलवंत के ढाबे में चले जाते हैं और शाम को सारा खाना बेकार हो जाता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ही कहीं से पैसे उधार मांग लो। रमेश के बोलने पर राधा अपनी जेठानी से कुछ पैसे उधार मांगने जाती है, पर वो राधा को पैसे देने के बजाय बातें सुनाती है और भाषण देने लगती है। हे राम, बच्ची को बुखार में दवा दिलाने तक के पैसे नहीं है तुम दोनों के पास? फिर इतना कमाते हो, पैसा जाता कहाँ है? आजकल उनका काम कुछ खास नहीं चल रहा है। जब काम चलता ही नहीं तो उस काम को छोड़कर कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता? दुनिया में नौकरी की कमी थोड़ी ना है, या तुम लोगों की चालाकी है कि कुछ कामकाज नहीं करेंगे और जरूरत पर भीख मांगने चली आओगी हमारे पास? सुमन ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ रमेश का बड़ा भाई केशव आ जाता है और वो राधा को कुछ पैसे देकर कहता है, राधा तुम इसकी बात मत सुनो और ये लो पैसे, मीनू के लिए दवाइयां खरीद लेना, और हाँ, और पैसे लगे तो मांग लेना मुझसे, ठीक है ना? जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जेठानी की बातें सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है, मगर वो चुपचाप सुन लेती है और पास ही गणेश जी के मंदिर चली जाती है और वहाँ जाकर राधा गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणपति बापा, दुख के समय में हमें लोग कितना भी सुनाएं, हम चुपचाप सुनेंगे, हर दुख को सहन कर लेंगे, पर आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप ही के सहारे हम जी रहे हैं, हमारा कोई और साथ दे या ना दे, पर हम आपके सहारे बैठे हैं गजानंद। समय बीतता जाता है पर उनके दुखों का अंत नहीं होता। पैसों की तंगी के बीच भी वो तीनों गणपति जी की पूजा आराधना में कोई कमी नहीं रखते। उनकी भक्ति भाव को देखकर एक रात गणपति जी स्वयं रमेश के सपने में आते हैं। रमेश, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, पर विधि के विधान को तो मैं नहीं बदल सकता, पर अपने भक्तों को राह दिखाने में जरूर आता हूँ। मैं तुम्हें सफलता का मार्ग बताने आया हूँ। अपनी दुकान पर मेरी मूर्ति की स्थापना करो और मुझे रोज गुड़ का प्रसाद चढ़ाओ। बाद में तुम खाना बनाते समय मेरे प्रसाद का गुड़ खाने में मिला देना।
ऐसा कहकर गणपति जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और इतने में रमेश की नींद खुल जाती है। गणपति जी को सपने में देखकर रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सपना सच है या झूठ। थोड़ी देर में सुबह हो गई। अगले दिन रमेश दुकान जाकर एक सुंदर सी गणपति की मूर्ति खरीद कर लाता है, उसे अपनी दुकान में स्थापना कर देता है और उसकी बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करता है और गुड़ का भोग लगाता है। अब रमेश दाल मखनी बनाते समय उसमें गणेश जी के प्रसाद से थोड़ा सा गुड़ लेकर मिला देता है और भक्ति भाव से खाना बनाता है और गणेश जी का नाम गान करने लगता है। रमेश की दाल मखनी की स्वादिष्ट खुशबू बलवंत के ढाबे तक जा रही थी और सभी बलवंत के ढाबे से सभी ग्राहक रमेश के ढाबे में आ गए। कुछ ही मिनटों में रमेश का ढाबा पूरा ग्राहकों से भर गया। लोगों ने जब रमेश के ढाबे पर खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट दाल मैंने पहले कभी नहीं खाई। आज तो घर भी पैक करा कर ले जाऊंगा। इतने कम पैसे में इतना अच्छा खाना, मैं तो यहाँ रोज आऊंगा। रमेश के ढाबे के चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं और दूर दूर से लोग उसके ढाबे में खाना खाने आते हैं। रमेश का छोटा सा ढाबा अब एक शानदार रेस्टोरेंट में बदल जाता है। उधर बलवंत को अपने घमंड की सजा मिली। अब कोई ग्राहक उसके ढाबे में खाना खाने जाना पसंद नहीं करते और उसका ढाबा खाली रहने लगा। रमेश की कामयाबी देखकर बलवंत को रमेश से दुश्मनी हो जाती है और वो अपने भाई चंदू बिहारी के पास जाकर रमेश की शिकायत करता है। चंदू भैया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरा चलता हुआ ढाबा बंद हो गया। ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो रमेश है ना, उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। आप वहाँ से उसको मार के भगा दो। चंदू बलवंत की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और वो रमेश को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों के साथ निकल पड़ता है। बलवंत चंदू के साथ रमेश के ढाबे में पहुंचता है और वहाँ बलवंत बहुत भीड़ देखता है। वो देखता है कि रमेश उस समय गणेश जी की पूजा कर रहा था। तभी रमेश पूजा से गुड़ निकाल देता है और दाल में मिला देता है। सच सच बता, तूने दाल में क्या मिलाया? रमेश बलवंत को गणेश जी के सपने की बात बताता है और उन सबको उसके ढाबे में खाना खाने के लिए कहता है। चंदू, बलवंत और उसके सारे लोग रमेश के ढाबे में खाना खाते हैं। कुछ भी कहो बलवंत, इसकी दाल मखनी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर खाना अच्छा बनेगा तो ग्राहक भी आएंगे ही, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो खुद यहाँ खाना खाने आया करूँगा। चंदू और उसके सारे लोग रमेश के ढाबे का खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं। खाना खाने के बाद चंदू रमेश को धन्यवाद देकर अपने गुंडों के साथ वहाँ से चला जाता है। बलवंत ये सब कुछ देख रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी थी। वो सामने आकर रमेश से माफी मांगता है। मैं तुमसे जलन की भावना रखता था, लेकिन तुम्हारा खाना वाकई स्वादिष्ट है। मुझे माफ कर दो रमेश। अरे बलवंत, तुम मुझसे माफी मत मांगो, ये मेरे गणेश जी का कमाल है। मैं तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूँ, तुम भी उनकी भक्ति करो। मेरी सफलता के पीछे मेरे गणपति बप्पा का हाथ है। मैं तो बड़े ही आनंद से दाल मखनी बनाता हूँ और उनके नाम का गुणगान करता रहता हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फिर दोनों मिलकर तय करते हैं कि गणेश ढाबे के नाम से दोनों मिलकर चावल और दाल मखनी का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहां पर दो टाइम गरीबों को मुफ्त खाना बांटा जाएगा। रमेश की ये गरीबों के प्रति सेवा भाव को देखकर स्वर्ग में बैठे गणेश जी मुस्कुराते और उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।